बैक टू माय चैनल। कैसी हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हाजिर हैं हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको आने वाली और वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए हैं कि आपने अक्सर देखा ही होगा ये चीज़ जो है कि प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है 9 मंथ का, अक्सर लोग बच्चों की फ़ोटोज़ लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडी के कमरे में, स्पेशली जहां बेड के सामने एक बच्चे की फ़ोटो लगाई जाती है, कहीं से भी मार्केट से खरीद के, या घर पे कोई क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है तो उस बच्चे की, या किसी भी प्यारे से बच्चे की फ़ोटो प्रेग्नेंट लेडी के सामने लगाई जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर क्यूट बच्चे की फ़ोटो लगाई जाए तो वैसा ही क्यूट बच्चा जो है जन्म लेता है प्रेग्नेंट लेडी की कोख से। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर बेबी बॉय की फोटो लगाई जाए तो वो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि लेडी जो है बेबी बॉय को जन्म देगी, और अगर बेबी गर्ल की फोटो लगाई जाए तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी भी बेबी गर्ल को जन्म देगी। ये सब तो है मिथ्याएं, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं मानते, लेकिन इसका मेनली साइंटिफिक आधार क्या है, जो सामने फोटोज लगाने का जो डॉक्टर्स है उनकी सोचनी क्या है इस बारे में, इस रिलेटेड हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई रहती है, अनकंफर्टेबल रहती है बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो। लेकिन अगर बच्चे की फ़ोटो सामने लगी हो तो उसका मन खुश रहता है ये देख के कि वो भी ऐसे ही एक प्यारे से बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इसलिए ये सारी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन जो है उसको मैं पॉजिटिवली हैंडल कर लूँगी, और तभी जाके मैं ऐसा प्यारा सा बच्चे को जन्म दूंगी। दूसरी ऐसी होती हैं जो अभी प्रेगनेंट नहीं होना चाहती, माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आके या हस्बैंड के प्रेशर में आके उनको बच्चा करना पड़ता है, वो माँ बनने वाली होती है लेकिन मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होती। प्रेगनेंसी जब बेडरूम में वो डेली बच्चे की फोटो देखती है, एक प्यारे से बच्चे की, क्यूट से बच्चे की स्माइल करती हुई फोटो देखती है, तो वो भी बच्चों के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाती है, वो भी मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है बच्चे के लिए। इसके अलावा वो फोटो के साथ अक्सर बात करना स्टार्ट कर देती है। जो प्रेगनेंट लेडीज होंगी वो ये चीज बहुत अच्छे से समझती होंगी, सामने अगर आपके क्यूट से बच्चे की फोटो लगी है, आप प्रेग्नेंट है, तो आप अक्सर उससे बात करेंगे, आप कब आने वाले हो, आपकी मैं वेट कर रही हूँ, और ये सारी बातें जो है आपके जो वॉर्म में बच्चा पल रहा है, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो सारी आपकी बातें सुनता है, और इस तरह से आपका और बच्चे का कनेक्शन जो है वो अच्छा होता है। बेबी पोस्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो बेबी पोस्टर्स देख के अपना बच्चा इमेजिन करती है कि वो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे को जन्म देगी, वो अपने बच्चे को किस तरह से पालेगी पोसेगी, बच्चे के साथ उसकी भावनात्मक अटैचमेंट होती है बेबी पोस्टर्स की वजह से, एक पॉजिटिव ऊर्जा उसके रूम में फैलती है, भावनात्मक तरीके से आपको आपके बच्चे के करीब लेके आते हैं, आपको आपके बच्चे के साथ से जोड़ते हैं, आपकी इमेजिनेशन जो शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं। तो उम्मीद है आज आप समझ गए होंगे कि साइंटिफिकली बच्चे के पोस्टर्स का क्या रीजन होता है रूम में लगाने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।